अस्सलाम वालेकुम। अब मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोज़ वीडियो भेजूँ, चाहे रिस्पांस मिले ना मिले, लेकिन वीडियो मैं ज़रूर भेजूँगी। कभी ना कभी तो फल मिले शायद। और मेरे दोस्त बने, अभी तक कोई कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। मुझे बहुत वो है कि कुछ मेरे दोस्त बन जाएं यूट्यूब पे। मेरा लाज होगा ये है कि आज दिन में हमारे यहाँ बिरयानी बनी थी, जो इसकी रेसिपी मैंने पहले भी दे चुके हैं, तो थोड़ी सी बिरयानी मेरे यहाँ बची भी नहीं रखी है, तो इस वक्त से मटर पनीर ही बनेगी। तो मटर पनीर के लिए मैंने ये टमाटर, लहसुन, अदरक और प्याज इसको पीस लिया है, और ये मटर मैंने धो के रख लिया, पनीर में बाद में रखूँगा। एकदम ही आसान तरीका इसका बनाने का है। तो उसके लिए रेसिपी ये है कि पहले जीरे से छौंक कर और इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज सब हमने पीस लिया है, और इसको भूनने के बाद इसमें सारे मसाले, धनिया पाउडर, ज़ीरा, गोलमिर्च सब डालने के बाद इसको भून लेंगे। भूनने के बाद अगर आपको चाहते हैं कि दही थोड़ा सा डाल के और भून लीजिए, और उसमें फिर मटर डाल देंगे। मटर डालने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद जब मटर गल जाएगा उसमें पनीर डाल के थोड़ी देर पकाने के बाद उसमें मलाई डाल देंगे। इस तरह से बनती है। तो मैं बस थोड़ा सा आपको बताऊंगी। ये देखिए ज़ीरा हमने डाल दिया, ताज़ा फिर वो दिन भर के लिए इतना गूंथते कि शाम तक चल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि बस हम ये कहेंगे कि बहुत सी मुसीबत हमने सही है, लेकिन हमने बस एक चीज़ अपनी माँ बाप की बहुत मानी कि पढ़ाई से कभी दिल ना हटाना। पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए, चाहे लाख मुसीबत आए लेकिन पढ़ाई ज़रूर कम्प्लीट करना। तो मैंने भी वही किया कि चाहे लाख कुछ भी हुआ लेकिन हमने अपनी एजुकेशन नहीं छोड़ी, और उसको पूरा करके ही मैंने छोड़ा जितना मुझे पढ़ना था। आगे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी आई कि मैं आगे और भी कुछ करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई, लेकिन जो भी है वो अल्लाह का शुक्र है कि जो होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। बस आदमी को लगे रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जब भी मैं रोटी बनाती तब भी आपसे ज़्यादा बात करती, क्योंकि सब्जी जो होते हैं बहुत आवाज़ें आती हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब भी करें।